और छत्तीसगढ़ के पहले पारंपरिक त्योहार आज पूरे दुर्ग जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कुरुत गांव में भी हरेली का त्योहार ग्रामीणों में हल और औजारों समेत गौ माता की पूजा अर्चना की गई। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कुरुत गांव, जहां हमारे संवाददाता इस त्योहार को लेकर ग्रामीणों की प्रतिक्रिया जानने पहुंचे हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हरेली त्योहार है, छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज हम भिलाई के कुर्द में एक किसान के घर पे हैं, जहाँ पे इन्होंने खेती किसानी में यूज़ की जाने वाली चीज़ जैसे हल हो गया, माजा हो गया और सामान हो गया, इन सब का पूजा किया है। देख हमारे पीछे देखिए, यहाँ ये हल है, ये जुआ है और ये किसानी में यूज की जाने वाली चीज़ें, कुदारी हो गया, फलुआ हो गया, हसिया हो गया, खेड़ी हो गया, ये सब सामान की इन्होंने आज पूजा की। और साथ में है ना, जानवर भी है, गौ माता भी है, इनकी भी पूजा की है और भोग लगाया हुआ है। तो हम थोड़ा सा और जानेंगे डीपली और थोड़ा सा गहराई में जानेंगे कि है ना, इस त्यौहार का छत्तीसगढ़ में है ना कितना महत्व है, किस तरह से ये लोग देखते हैं। तो हम है ना बात करेंगे, हमारे साथ में है ना ये पंडित जी है। पंडित जी क्या नाम है उनका? आप इस त्यौहार को किस तरह से देखते हैं? ये है जो है सावन के महीना के आज जिन्हें सोमवती अमावस्या है, तो किसानी के जितका भी सामान है, औजार है, गेड़ी है, जिन्हें कुदाली है, हलधर है, एखर सब धो मान के जिन हमन पूजा करथन और गैया मतलब जिन्हें लोंदी खवाथन। एक लोंदी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े त्यौहार माने जाते, जेखर से हमन लोंदी खवाथन, जेखर से रोग राई मन दूर हो जाते और नीम के पत्ता ल जिन्हें राउत मन आके घरों घर पहुँचते, जेखर से रोग राय जिन्हें सावन के महीना में आते ये मन सब दूर हो जाते और साल भर आदमी है मनुष्य है खेती खान में रोग राय नहीं आए, ये त्यौहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाते हैं। आज जैसे ये हरेली त्यौहार है आज, और सावन का दूसरा सोमवार भी है, इसको किस तरह से देखते हैं? आज जो विशेष महत्व है काबर सोमवती अमावस्या पड़े है और सोमवार के दिन ओखर जिन दिन सोमवार कहूँ पड़ गए और सोमवती अमावस्या जिन है ना बड़ा उत्साह मंगल है, हरा भरा थे और पानी काजी मन तक बड़े आते थे, भगवानों की दया थे, आदमी जय भी थे और यही प्रकार से बड़ा खुशी आनंद से। अब ये गेड़ी परंपरा है जेना लड़की मन भी चलाते और लड़का मन भी दौड़ होते, गेड़ी दौड़ होते, बोरक दौड़ होते है, नहीं खो खो होते, कबड्डी खेलते, फुगड़ी खेलते, लड़का मन है बड़ा सुंदर से। जिस तरह से आपने देखा अभी 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन पहले है ना मौसम विभाग ने भी है ना अलर्ट किया था कि है ना 20 जून से बारिश होगी, लेकिन थोड़ा लेट आया है, लेकिन आज का जिस तरह से आज का जिस तरह से है ना त्यौहार देख रहे हैं अपन, मतलब हम लोग की है ना सावन का दूसरा सोमवार है और इधर हरेली तिहार है, तो शंकर जी खुश होंगे, बारिश करवाएंगे, खुश होंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत धूमधाम के त्यौहार है और पहली त्यौहार है जिनला बहुत आनंद और खुशी से मनाथन, एक ही थन भगवान से मना, इंद्र भी प्रभुष की थे, भोलेनाथ सब जैसे देवी देवता से कि बने बने रखबे, सब निरोग रहे और सब मन अच्छा रहे। तो जैसा देखा आपने कि महाराज जी ने तो बोला कि अब भगवान खुश है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी बारिश होगी, अब हम इसी त्यौहार को लेकर हमारे साथ किसान भी है जिनके हम घर पर हैं उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जगदीश निषाद। हाँ जगदीश निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इस त्यौहार को किस तरह से देखते हैं आप? ये परंपरा चला था, 14 दिन श्याम मन माना था वही प्रकार से चला था। कब से आप जब से जानने लगे हो तभी से ये पूजा कर रहे हैं? हाँ, मेरे बाप दादा जमाना से चला था। अच्छा, लेकिन अब आप ये नहीं देखते कि पहले में अब में कितना फर्क हो गया है कि लोग खुद खेत में जाके है ना पूजा वगैरह करते थे, लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सा अलग हो गई है ना, घर पे ही चीजें मतलब घर पे ही। आज के त्यौहार ना घर में ही मनाए थे। अच्छा, ऐसा लास्ट त्यौहार लास्ट इतवार होते हैं, 5 इतवार ना बोला जाके खेत में दिया वगैरह जलाते हैं, चिल्ला चलाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं खेत में। हरेली त्यौहार में मतलब आज ऐसे आप लोगों के यहाँ छत्तीसगढ़ में है ना बड़ा त्यौहार माना जाता है, इसमें कुछ मतलब व्यंजन वगैरह में भी खाने वगैरह में भी कुछ अलग चीजें रहती हैं कि जो रेगुलर रहता है वही रहेगा? रहते हैं। क्या क्या बनेगा आज? खिचड़ी, कुर्मी, चीला रोटी। अच्छा, पूरी। तो मतलब आज खीर पूरी खाने को मिलेगी, पूरी टीम तैयार है। जैसे आपने देखा कि
आज त्योहार में पूजा पाठ इनका हो गया है, बस अब आगे और भी व्यंजन भी बनेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, घर की इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या बोलते हैं। जी कहिए बोला। त्योहार किस तरह से देखते हो आप? आगे तो हल्की पूजा हो गई, सब हो गया, अब खेत में जाना पड़ेगा काम करने। हाँ, जाते हैं। हाँ। आप बताइए। हम लोग इस त्योहार में हल्का पूजा करते हैं, गेड़ी बनाते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। जी जी। और क्या बोलते हैं, चीला रोटी बनाते हैं, उसका हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा, चीला रोटी कैसे बनता है? ये चावल आटा का बनता है। अच्छा जी। मतलब ये मतलब आज ही ये मीठा बनता है, गुड़ डालते हैं उसमें। अच्छा, उसका भी फोटो खींच लो। वो है चीला रोटी करते हैं, मतलब वो हम लोग का मेन व्यंजन है आज के दिन। जी जी, उससे सब लोग पूजा करते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? पूजा में शामिल थी तो ठीक, खेत में जाती हूँ काम करने। क्या नाम लिखते हैं? अच्छा, मतलब ये एक देखा होगा खुद भी, चूंकि आप है ना, आप है ना, ये अंकल बेटी हो आप? मेरे बड़े पापा है। तो ये आप स्कूल में पढ़ते हो क्या? काहे की तैयारी करोगे आगे, क्या बोलना चाहोगे? अभी तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, बीकॉम करूँगी। अच्छा, बीकॉम करोगे। ये है ना पूजा पाठ और ये है ना खेती किसानी को आप किस तरह से देखते हो? मैं तो जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मतलब छोटी सी खेती किसानी देख रही हूँ। मतलब बुजुर्ग ने, मेरे दादा परदादा थे, उन लोग भी खेती किसानी किए हैं, और बड़े पापा सब खेती किसानी करते हैं। मतलब क्या तुम्हारे है ना, मतलब तुमसे बात करके एक मैसेज चाहना मतलब देना चाहता हूँ युवाओं वर्ग को, मतलब तुम्हारे उम्र के लोगों को, कि घर के जुड़े हुए काम करने चाहिए लोगों को, और अपने घर वालों के साथ में उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, 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 तो मैसेज देना चाहोगी? हाँ, बोलो। सबको फैमिली में रह के काम करना चाहिए, और कुछ भी काम करे तो घर में एक बार बताना चाहिए कि कुछ काम है, साथ देना है घर वालों को कि कुछ काम करवाना। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे है ना काफ़ी है ना लोग इस त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, इनसे बातचीत हुई, और ये हमेशा आता है, छत्तीसगढ़ का बहुत मेन त्यौहार माना जाता है ये। जैसा आप लोगों ने देखा कि सबसे अच्छे से बातचीत हुई, सबके चेहरे पे खुशी है। अब सन्नी सिंह के साथ में अनूप मिश्रा, इंडियन न्यूज। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।